Hello friends, I am here with my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. हमने लास्ट लेक्चर में अबायोटिक फैक्टर बायोटिक फैक्टर अबायोटिक के अंडर क्लाइमेटिक फैक्टर्स क्या होते हैं क्लाइमेट एंड वेदर इसके बारे में जान लिया था. अब इस लेक्चर में मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अबायोटिक फैक्टर के बायोटिक फैक्टर्स पर क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं. देखो हम जब क्लाइमेट बोलते हैं तब क्लाइमेट में टेम्परेचर आता है रेनफॉल आता है विंड होता है हवा में जो कभी कभी ज़्यादा हवा चलती है तो वो विंड होता है. देन देयर इज़ अ लाइट फैक्टर इज प्रेजेंट. तो ये सब अबायोटिक फैक्टर्स है और इन अबायोटिक फैक्टर्स का कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट ऑर्गेनिजम्स पर लिविंग फैक्टर्स पर प्लांट्स और एनिमल्स पर होते रहता है. तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि इन अबायोटिक फैक्टर्स का प्लांट के लाइफ पर क्या क्या इफेक्ट होता है. सो स्टार्टिंग फर्स्ट विद द लाइट. जब भी हम प्लांट्स के बारे में सोचते हैं तो पहला पॉइंट हमारे दिमाग में आता है फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं थ्रू विच इट सिंथेसाइजेस द कार्बोहाइड्रेट्स, है ना. तो इस एंगल से सोचते सोचते हम जाएंगे एंड वी विल फाइंड द इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन प्लांट्स. तो अगर फोटोसिंथेसिस की बात करो तो लाइट लगती है फोटोसिंथेसिस के लिए. दिस इज़ अ रिएक्शन फॉर फोटोसिंथेसिस. 6CO2 6H2O दोनों को जोड़ दो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल पिगमेंट इज रिक्वायर्ड. इट फॉर्म्स द ग्लूकोज C6H12O6 एंड ऑक्सीजन इज लिबरेटेड. तो यहाँ पर देखो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट मतलब डायरेक्ट रिलेशन है कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट चाहिए. अब फोटोसिंथेसिस कौन कर रहा है, क्लोरोप्लास्ट में होती है. क्लोरोप्लास्ट में कौन इन्वॉल्व होता है, तो क्लोरोफिल इन्वॉल्व होता है. सो द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट विल इंक्रीज इन प्रेजेंस ऑफ लाइट. तो अगर आप आगे चल के सोचो कि फोटोसिंथेसिस होती कहाँ है, सो द प्लांट लीव्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. तो लीव्स में क्लोरोप्लास्ट होते हैं. तो ऊपर से अगर सनलाइट आती है तो लीव के अपर सरफेस पर यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट की अमाउंट ज़्यादा होती है. तो ये अमाउंट भी इंक्रीज हो जाएगी जैसे जैसे लाइट में प्लांट रहेगा. तो ये डायरेक्ट रिलेशन डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाएगा. फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा लाइट अगर ज़्यादा है तो अच्छा है. तो क्लोरोफिल पिगमेंट्स क्लोरोप्लास्ट इंक्रीज होगी नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इस तरह से. सो दैट इज ऑन इफेक्ट ऑन नंबर एंड पोजीशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट की पोजीशन उसकी अपर सरफेस पर है और उसके नंबर्स भी बढ़ जाएंगे. उसके बाद देखो इफेक्ट ऑन रिस्पिरेशन. तो रिस्पिरेशन मतलब कार्बोहाइड्रेट को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट कर दो. ये प्रोसेस भी इंक्रीज होती है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट. इट इज़ ऑब्जर्व दैट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट द रेट ऑफ रिस्पिरेशन इंक्रीजेस. अगर लाइट इंटेंसिटी कम है तो रेट कम है. तो सिंपल पॉइंट्स हैं फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पिरेशन. दोनों के लिए लाइट चाहिए. अच्छी लाइट में दोनों प्रोसेसेस विल एनहांस और अगर लाइट कम है तो दोनों प्रोसेसेस कम होती रहती है. इसके अलावा देखो इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन द ट्रांसपायरेशन. सो व्हाट इज ट्रांसपायरेशन, दैट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द स्टोमेटा. जैसे प्लांट होता है प्लांट एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम द सॉइल. इस तरह से अगर हम प्लांट कंसिडर करें तो इट एब्जॉर्ब्स वाटर थ्रू रूट्स और इस तरह से ये रूट से आगे चल के स्टेम के थ्रू इट रीचेस द लीव्स. और यहाँ पर लीव्स में स्टोमेटा आर प्रेजेंट एंड थ्रू स्टोमेटा द वाटर गेट्स इवेपोरेटेड. सो ये प्रोसेस विल गेट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइट. अब अगर लाइट ज़्यादा है तो हीट ज़्यादा हो जाएगी. हीट ज़्यादा है
तो वाटर ट्रांसपारेशन ज़्यादा होगा। हमें भी जैसे ज़्यादा प्यास लगती है बहुत ज़्यादा हीट में, उसी तरह से वाटर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगा एंड ट्रांसपारेशन विल ऑल्सो इंक्रीज। इन दिस वे द ट्रांसपारेशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लाइट इंटेंसिटी। ओके, सो मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द ऑन इफेक्ट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन। तो हॉर्मोन के बारे में देखें तो लाइट इनहिबिट्स द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन। जो ग्रोथ हॉर्मोन है वो इनहिबिट होता है इन प्रेजेंस ऑफ हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट। नेक्स्ट पॉइंट देखो यहाँ पे, ऑन डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स फ्रूट्स एंड वेजिटेटिव पार्ट्स। तो यहाँ पर दिस फ्लावर्स एंड फ्रूट्स विल बेनिफिटेड इन हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट, वेर एज वेजिटेटिव पार्ट्स विल गेट बेनिफिटेड इन अ लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अगर आप प्लांट को हाई इंटेंसिटी में रखते हो देन देयर वुड बी अ प्रेजेंस ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, उसे फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आ जाएंगे। एंड इन केस ऑफ लोअर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, वेजिटेटिव पार्ट्स जो होंगे प्लांट के वो ग्रो हो जाएंगे। और जो पॉइंट है दैट इज द इफेक्ट ऑन द मूवमेंट। तो हम जानते हैं फोटोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म इज ऑल्सो नोन एज हेलियोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म मतलब उस किसी चीज़ की ओर बढ़ना, जैसे कि लाइट है, लाइट की तरफ प्लांट्स बढ़ते हैं। हम बचपन से वो एक्सपेरिमेंट करते आते हैं कि बॉक्स में, किसी बॉक्स में आप प्लांट लगा दो एंड एक होल कर दो उस बॉक्स को, तो आप देखते हो कि प्लांट ग्रो इन दैट डायरेक्शन ओनली। तो ये एक्सपेरिमेंट फोटोट्रॉपिज्म का ही है कि जो प्लांट का जो स्टेम होगा दैट ग्रोज टूवर्ड्स द लाइट, दिस इज नोन एज अ पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। और जो रूट्स होंगे दैट विल ग्रो अवे फ्रॉम द सनलाइट, दैट इज नोन एज द नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। इस तरह से पॉजिटिव एंड नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म आर देयर एंड दैट इज नथिंग बट ग्रोइंग टूवर्ड्स द लाइट और ग्रोइंग अवे फ्रॉम द लाइट। फोटोट्रॉपिज्म के बाद हम डिस्कस करते हैं फोटो पीरियडिज्म। अब देखो फोटो पीरियडिज्म का मतलब ये होता है कि कितनी देर प्लांट लाइट में रहता है, दैट इज अ फोटो पीरियडिज्म। फोटो पीरियड देखो यहाँ, फोटो पीरियड मीन्स लेंथ ऑफ द डे। तो जितनी डे की लेंथ होगी उतनी देर वह प्लांट लाइट में रहेगा, सो दैट वुड बी अ फोटो पीरियड। आप अगर जानते होंगे तो टिश्यू कल्चर में हम फोटो पीरियड सेट करते हैं 8 आवर्स का, मतलब 8 आवर्स वहाँ पर तो ट्यूबलाइट रखते हैं, तो टिश्यू कल्चर लैब में जो इनक्यूबेटर्स होते हैं वहाँ पर हम फोटो पीरियड सेट करते हैं। 8 आवर्स का डे होता है, 8 आवर्स की नाइट होती है, मतलब ऑटोमेटिक वहाँ की जो ट्यूबलाइट होती है वो ऑफ हो जाती है 8 आवर्स के बाद। तो इस तरह से फोटो पीरियड हम सेट करते हैं, मगर नेचर में ये फोटो पीरियड किस तरह का है उसके अकॉर्डिंगली वेजिटेशन चेंज होते रहता है। तो इस हिसाब से प्लांट के 3 टाइप्स पड़ते हैं, लॉन्ग डे प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स। तो लॉन्ग डे प्लांट्स में देखो फोटो पीरियड उनको लगता है मोर देन 12 आवर्स पर डे। के एग्जाम्पल्स है रेडिश, पोटैटो, स्पिनैच। दूसरे आते हैं शॉर्ट डे प्लांट, इन्हें फोटो पीरियड लगता है लेसर देन 12 आवर्स पर डे। सीरियल्स, टोबैको इसके एग्जाम्पल्स है। और जो डे न्यूट्रल प्लांट्स हैं उन्हें इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है सनलाइट कितनी है या फोटो पीरियड कम ज़्यादा भी रहेगा तो प्लांट डजन गेट अफेक्टेड। तो इनके एग्जाम्पल्स आते हैं देखो कॉटन, बालसम, टोमेटो, ये सब इनके एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा लाइट ऑल्सो अफेक्ट्स द सीड जर्मिनेशन। तो यहाँ पर रेड लाइट, ब्लू लाइट, दीज आर फाउंड टू इंड्यूस द सीड जर्मिनेशन, वेर एज फार रेड लाइट इज इनहिबिटिंग द सीड जर्मिनेशन। जब हम ऑब्जर्व करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ फार रेड लाइट
इन सम प्लांट्स इन सम केसेस इट इज फाउंड टू इनहिबिट द सीड जर्मिनेशन. द नेक्स्ट पॉइंट इज इफेक्ट ऑन द फोटोमॉर्फोजेनेसिस, मतलब सीड से प्लांट किस तरह से डेवलप होगा. तो अगर आप सीड लगाते हो एंड यू कीप दैट सीड इन अ डार्क कंडीशन, तो जो सीडलिंग फॉर्म होगी, जो छोटा सा प्लांट फॉर्म होता है, सो दैट इज अ नॉन ग्रीन, वो ग्रीन नहीं दिखाई देता है. इट इज लैक ऑफ क्लोरोफिल एंड इट डजंट डेवलप रूट सिस्टम ऑल्सो. इट डेवलप्स द पुअरली डेवलप्ड रूट सिस्टम. और अब अगर आप उसी प्लांट को अब अभी लाइट में रखते हो तो इट विल शो द नॉर्मल ग्रोथ. तो इस तरह से सीडलिंग के जर्मिनेशन में, सीड के जर्मिनेशन में, सीडलिंग के प्लांट में कन्वर्ट होने में लाइट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो इस तरह से हमने आज के लेक्चर में इफ़ेक्ट ऑफ लाइट ऑन प्लांट्स ये डिस्कस किया. इन माय कमिंग लेक्चर आई विल बी डिस्कसिंग इफ़ेक्ट ऑफ लाइट ऑन एनिमल्स. आई होप यू लाइक माय वीडियोस. आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर माय चैनल एंड ऑल्सो टू हिट द बेल आइकॉन. थैंक्स फॉर वॉचिंग.